चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब अपन को ये राइट साइड वाला पार्ट करना है, थोड़ा और डार्क करना है, थोड़ा इसलिए अपन 2B की लेयर एक और बार चढ़ाएंगे। और डार्क करना होता तो अपन 4B की लेयर चढ़ाते। तो कहाँ से चढ़ानी है, ये सेंटर वाले पार्ट से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये सेंटर वाले पार्ट पे देख रहे हो, यहाँ शिफ्ट हो रहा है और ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ डार्क दिख रहा है ना, तो यहीं से करना है, साथ साथ करते जाओ। तो जैसे अपन ने नॉर्मली चढ़ाई थी 2B की लेयर, वैसे एक और बार 2B की लेयर चढ़ानी है, ठीक है। उसे बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है अपन को, जितना डिफरेंस इसमें और इसमें दिख रहा है उतने डिफरेंस चाहिए अपन को। कंटिन्यू करते हैं, तो पहले ये वाला पोर्शन, इसके बाद चीक्स वाला पोर्शन ले जाओ। तो चीक्स में जहां तक अपन ने 2B किया था ना, उससे थोड़ा और नीचे करना है ये, ठीक है, ताकि ब्लेंडिंग में आसानी रहे चीक्स वाले रीजन में। आराम आराम से, यहाँ बॉर्डर पे केयरफुली ऊपर से लाते हुए, अब नीचे वाले पार्ट में आते हैं। तो नीचे वाले पार्ट में केयरफुली करना, पहले देख लो चिन वाला पार्ट, ये तो नॉर्मली जैसे करना है अपन को वैसे ही हो रहा है। अब चिन वाला पार्ट क्या करना है, धीरे यहाँ पे एक लेयर और धीरे धीरे हल्की होती जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो नॉर्मल चल रहा था, अब यहाँ पे क्या है, हल्का होता जाएगा ताकि वो ऐसा लगे कि ब्लेंड हो गया एकदम से, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं आधा पार्ट हो गया। यहाँ फोरहेड पे भी अपन को करने की ज़रूरत है, तो यहाँ फोरहेड पे भी अपन 2B से एक और लेयर चढ़ाएंगे, पूरी नहीं चढ़ाएंगे, कम कम ही चढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि ब्लेंडिंग करने में आसानी रहे अपन को। ओके, तो कॉटन से ही ब्लेंड कर लो। तो ऊपर से स्टार्ट करते अपन, तो यहां से ब्लेंड करते करते थोड़ा लेफ्ट की तरफ लाओ। ओके, ताकि ये थोड़ा डार्क लगे। अब थोड़ा इसको थोड़ा पतला कर लो। ओके, और इस वाला जो सेक्शन है ये आउटलाइन के पास, यहाँ यहाँ चलाओ, आराम आराम से चलाते जाओ। और यहाँ पे एकदम डार्क से लाइट होते जाना चाहिए, ब्लेंड दिखना चाहिए चिन वाले रीजन पे, ठीक है। ये करने के बाद चीक्स वाले रीजन है ये, यहाँ पे ब्रश चलाओ ऐसे हल्का ऊपर लेते जाते हुए, और यहाँ राइट से लेफ्ट लाते हुए, फोरहेड पे भी यही करना है, राइट से लेफ्ट ले जाते हुए ब्रश, बाकी चेहरे पे भी ब्रश अच्छे से चला लो ताकि वो ब्लेंड दिखे। और जो अपन को डार्क शेड चाहिए था ना एक साइड, वो अपना आ चुका है। 4B पेंसिल ले लो, 4B पेंसिल को इस तरीके से शार्प कर रखा है। तो अब जो नोज दिख रहा है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखो ऐसे कवरिंग सी है, तो सर्कुलर शेडिंग मेथड से ये कर्व करते रहो इस तरीके से, धीरे नीचे का कर्व किया, फिर इसके बाद यहाँ का कर्व किया, धीरे धीरे जो आउटलाइंस है इसे ले जा रहे हैं, और हल्का हल्का जैसे ये 4B कर रहा हूँ इनके ऊपर हल्का हल्का शेड कर दो, ताकि जब ब्लेंड करें तो सराउंडिंग के साथ ब्लेंड करने में इजी रहे, ठीक है। तो ये हल्का हल्का किया अपन ने, आउटलाइन भी दे दो जरा। ओके, फिर आती बेस की बारी, तो बेस की जरा ये आउटलाइन बनाई मैंने, आराम आराम से। अब देखना जरा, ध्यान दो पहले इधर, ठीक है, अभी ड्रॉ नहीं करना है कुछ। तो धीरे धीरे अब क्या करना है, ये जो नीचे एक लेयर गायब दिख रही ना, एक लाइन सी, ये तो अपन मोनो जीरो इरेजर से इरेज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे कर्व करते हुए, ये दिख रहा ना, ये वाला पैटर्न फॉलो करना है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में जब ड्रॉ करवाया था तो उसमें भी मैंने ऐसी शेड करा था, याद है। तो इस तरीके से धीरे धीरे देख लो, पहले
यहाँ यहाँ किया और हल्का हल्का ऊपर से नीचे की तरफ भी लाइए, दिख रही ना एक और लाइन अपन को, तो आराम आराम से करेंगे अपन। एक चीज और करेंगे, लाइन तो बना ली, इसको थोड़ा ब्लेंड करना है, तो ऐसे डार्क टू लाइट टोन ले जाएंगे अपन, डार्क से लाइट। ठीक है, तो ये किया अपन ने। अब आता है ये वाला कर्व, तो ये कर्व ही नहीं अकेला, ठीक है कि एक सिंपल सा कर्व बना दो, देख सकते हो बेस के पास मोटा है, ऊपर जाके पतला हो रहा है, ट्रायंगुलर शेप सा है हल्का सा। तो स्टार्टिंग में अगर सही बनाया होगा ये, यहाँ पे बेस ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, ऊपर जाके बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से था, ट्रायंगुलर शेप में है ये हल्का हल्का, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे तो डार्क था, यहाँ पे ऐसे ब्लेंड हो जाएगा एक तरीके से। और अब शेडो भी बना लेते हैं साथ साथ में इसकी। तो शेडो को क्या है, इससे आउटलाइन नहीं देना है, क्या करो ऐसे पीछे पकड़ो पेंसिल को और पीछे, ठीक है, यहाँ से ऐसे धीरे धीरे सर्कुलर शेडिंग करते जाओ और एक शेप बनाते जाओ। मैंने क्या बोला, शेडिंग करते जाओ, शेप ड्रॉ नहीं करना है अपन को। आपको इमेजिन हो गया होगा कैसे करना है, आराम से बना लो तुम, बहुत ज़्यादा डार्क मत कर देना। ये गलती करते हैं सब कि शेडो को बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं। अगर अपन को डार्क चाहिए तो अपन एक और लेयर कर देंगे, अभी फर्स्ट लेयर बहुत ज़्यादा डार्क मत कर देना, और फर्स्ट लेयर को ब्लेंड भी आराम से करते हैं, वरना वो फैल जाएगा तो फ़र्क ही क्या पड़ेगा। तो ये हुआ अपना शेड, इतना कर लो पहले। तो ब्लेंडिंग करने के लिए कॉटन का एक छोटा सा पीस लो, ओके, छोटा सा कॉटन का पीस लिया अपन ने। तो इस तरीके से पहले जो साफ कॉटन का पीस है नोज पे स्टार्ट करते हैं, नोज की स्टेम पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रखो और ऐसे सर्कुलर शेडिंग करो नोज, ये बहुत पतला होना चाहिए, जितनी तुमने शेडिंग करी है ना उतनी पतला, ताकि जब शेड करो तो उतना और उससे थोड़ा ऊपर वाला पार्ट ही शेड हो पाए, पूरी नोज नहीं। इसमें अपन ब्रश का यूज नहीं करेंगे, हल्का सा एंड में कर लेंगे स्मूथ करने के लिए। देख सकते हो बहुत आराम से कर रहा हूँ मैं, एकदम टिप बना के, इसे भी मैं एकदम पेंसिल की तरह टिप बना के कर रहा हूँ। सर्कुलर शेडिंग करो, ये वाला पार्ट मैंने क्या बोला था, एकदम ऊपर की तरफ ब्लेंड हो जाना चाहिए, तो इसे ऊपर की तरफ ऐसे ब्लेंड करते हुए ले जाओ, ठीक है, ताकि वो ऑड सा ना लगे। अब ये करते करते ऊपर इस बार इधर पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी रुक जाओ, ये बेस कर लो, अच्छे तरीके से होना चाहिए, देखो रफ नहीं होना चाहिए ये। इसके बाद शेडो करना, शेडो पे भी उतने ही सर्कल जो अपन ने ओवल शेप ये बनाया ना उतने ही रखना, और इस पर आराम स्मूथली करना, इसके ना बाहर ले जाना, क्योंकि इसमें देख सकते हैं बॉर्डर सी दिख रही है अपन को, वो बॉर्डर अपन को एक क्लीन बॉर्डर यहाँ पे भी चाहिए। अब ये जो नॉर्मली यहाँ पे करते हैं ना अपन ब्लेंड, ब्लेंड करते करते बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। फिर ब्रश उठा लो, ये वाला पोर्शन ब्रश से कर लो, इतना आराम आराम से ब्रश से कर लो शेडो वाला पोर्शन, ये हल्का हल्का ब्रश इतने में चलाओ जितने में शेड है, ठीक है, हल्का हल्का चला लिया ब्रश अपन ने। अब नीडेड इरेजर लेना, और ये जो शाइन दिख रही है ना अपन को यहाँ पे, ये दिख रही है, और एक ये दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे, थोड़ा एक वर्टिकल सा एरिया ये बनाना। इसके बाद क्या करना, हल्का हल्का यहाँ पे शेड करना, क्योंकि देख सकते हो ये अंदर की तरफ आ गया है, सिर्फ इतना पार्ट शाइन मार रहा है अपना। तो हल्का हल्का यहाँ पे शेड करना, देखो पहले हल्का हल्का 2B से कर रहा हूँ ये मैं शेड, ओके 2B से,
कि नोज स्टेम यहाँ तक थी, नोज स्टेम के थोड़ा अंदर किया यहाँ पे शेड अपन ने, थोड़ा लेफ्ट साइड से अंदर की तरफ किया, ओके। और अभी अपन ब्लेंड करना स्टार्ट कर देंगे, इसे भी कॉटन से ही कर लो ब्लेंड, ठीक है, इसे सर्कुलर चला लो बॉर्डर पे तो ज़्यादा इजीली ब्लेंड हो जाएगा। सेम लेफ्ट साइड के लिए जाता है, इसे भी ऐसे सर्कुलर चलाओ, ठीक है। फिर और स्मूथली करने के लिए अपन ने ब्रश का यूज़ कर लिया, ठीक है। हल्का फुल्का ग्रेफाइट यहाँ पे आ गया है तो इसे इरेज करा, और ये अपनी नोज हो जाती है, ठीक है, जैसे अपन की रेफरेंस में है। तो ये अपनी नोज भी कंप्लीट हो जाती है। अब लिप्स स्टार्ट करते हैं अपन, तो लिप्स को देखो, तो लिप्स में अपन नॉर्मली जैसे शेड करते ऊपर कर्व की तरफ करना, ठीक है। कैसे करना, HB पेंसिल से अपन उसी तरीके से कर रहे हैं, आराम आराम से, कोई उल्टा सीधा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं करेगा, ये थोड़े स्लांट में है, ठीक है, देख सकते हो किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वही डायरेक्शन अपन को यहाँ करनी है। ऐसे धीरे धीरे कर्व करते हुए ओवल शेप में जो शेडिंग करते हैं ना अपन, अब नीचे नीचे क्या है, ऐसे बाहर की तरफ, ये जो डायरेक्शन दिख रही है ये ऐसे, ये ऊपर की तरफ थे, ये नीचे की तरफ, तो इसमें इस डायरेक्शन में शेड करेंगे अपन। फिर क्या करेंगे अपन, ब्रश लिया अपन ने अपना और सिंपली ब्रश से ब्लेंड कर दिया। स्मूथली करना, ठीक है, और फिर ऐसे थोड़ा वर्टिकली चलाना। उसके बाद क्या, उसके बाद जरा आउटलाइन HB पेंसिल से, हर बार आउटलाइन HB पेंसिल से ही करना है अपन को, बीच वाले कर्व की आउटलाइन चाहे वो नीचे वाले लिप्स की आउटलाइन हो, सब HB से। ठीक है, इसके बाद आती 2B पेंसिल, तो 2B पेंसिल से भी अपन को क्या करना, अब देखो जहाँ जहाँ हाइलाइट्स दिख रहे हैं आपको ऊपर वाले लिप्स में, वहाँ वहाँ को छोड़ के बाकी सब जगह पर 2B करेंगे। कैसे, तो यहाँ से देखते हैं, पहले तो सेंटर वाले पार्ट में ऊपर तक जा रहा है, ये वाले पार्ट खाली हैं, ये वाला और ऊपर वाला, यहाँ पे ऊपर की थोड़ी कवरिंग है, इस तरीके से ऊपर की तरफ ऐसे शेड करते हुए एंड में ऊपर तक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से और फिर ऊपर से कवरिंग, तो देख सकते हो इसमें भी ऊपर से कवरिंग है, तो आराम आराम से यहाँ 2B में ऊपर से कवरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी और ज्यादा डेप्थ आ गई नीचे वाले लिप में, नीचे वाले लिप में तो जो अपन को दिख रही है ना डेप्थ, ज्यादातर ये व्हाइट जेल पेन से ये अपन ने इरेज करके करा है, तो नॉर्मल शेडिंग कर लो जैसे अपन ने फर्स्ट लेयर करी थी उस तरीके से कर लो, जो अपन को हाईलाइट देनी है वो अपन इरेजर्स की मदद से देंगे इस बार। ऊपर में क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ऊपर में इतना ज्यादा कुछ ब्राइट नहीं है, नीचे वाले में ज्यादा हाइलाइट्स ब्राइट है, ऊपर वाले में तो हल्का सा छोड़ने से काम चल जाएगा। ब्लेंड वैसे ही करना है नॉर्मली, ऐसे सर्कुलर चलाते जाओ, ठीक है। तो ये दो लेयर्स हो जाती हैं अपनी। 4B पेंसिल लो पहले देख लो, ठीक है, 4B में जैसे स्ट्रोक्स लगाते हैं ना नॉर्मली वैसे लगाना है, तो पहले जो बीच वाला कर्व है इसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब आराम आराम से स्ट्रोक्स लगाना स्टार्ट करो, जो दिख रहे हैं ना
बहुत सारे स्ट्रोक्स ऊपर नहीं ले जाने, गिनती के चार तीन चार यहाँ पे हैं, गिनती के तीन चार यहाँ पे हैं, ठीक है। तो बीच वाले थोड़े ऊपर तक जा रहे हैं, बड़े हैं, बाकी सब नॉर्मली चल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से एकाध एकाध ऊपर, और फिर जो एंड में भरा वाला पार्ट है वहाँ पे कंप्लीटली अपन ने इसे फिल कर दिया, ठीक है। ये हल्के हल्के ऊपर आउटलाइन भी है यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे, ये आउटलाइन की तरह आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे तो पीछे पूरा भरा हुआ है, आगे आते आते स्ट्रोक्स हैं, तो इस तरीके से अपन ने करे, ठीक है। एक आध ऊपर नॉर्मल स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, फिर एक आध ऊपर रेफरेंस, देखो रेफरेंस में अच्छे से दिख रहे हैं इस तरीके से जाते हुए ऊपर ऊपर। फिर बाद में जो हल्के हल्के दिख रहे हैं ना, उन्हें ऐसे 4B पेंसिल से बाद में ड्रॉ कर लेना, लेकिन ये वाले पार्ट अच्छे तरीके से फिल होने चाहिए, ठीक है। अब हल्के थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स नीचे वाले लिप्स में देखो, पहले बहुत ध्यान से देखो जरा, ये नीचे वाला बीच का कर्व हो गया, ठीक है। ये अपन आउटलाइन ले गए 4B पेंसिल से ही, और फिर ये नीचे वाला कर्व, ठीक है। तो ये अपना लोअर लिप के लिए बेस वाला काम है। अब हल्के हल्के से पहले तो छोटे छोटे कर्व निकालो नीचे की तरफ, देख रहे हो ये छोटे छोटे कर्व मैं नीचे की तरफ निकाल रहा हूँ, अभी कोई एकाध एकाध बड़ा नहीं ले जा रहा, सब ऐसे छोटे छोटे नीचे की तरफ कर रहा हूँ। एंड में ये जो थोड़ा डार्क पार्ट दिख रहा राइट साइड, इसमें मैंने भर दिया ये, सेम चीज यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड ले गया, वो दिखना जरूरी रहता है, इसमें भी दिख रहा है अपन को हल्का हल्का, पूरी डार्कनेस एकदम अपर लिप में नहीं कर सकते अपन, लोअर लिप ऑड सा लगेगा, तो हल्का हल्का यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। अब एकाध एकाध दो ये जो दिख रहे हैं ना स्ट्रोक्स नीचे आते हुए यहाँ पे, ये नीचे आते हुए दिख रहे हैं, बीच में एकाध बना है सिंगल सा कर्व में आने चाहिए, ये नीचे से ऊपर जाते हुए भी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब ऊपर से नीचे आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ नीचे से ऊपर भी जा रहे हैं, कुछ ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इस तरीके से सेम इस साइड है, नीचे से ऊपर है। ठीक है, तो ये अभी तो इनकम्प्लीट लग रहा है, अब जरा नीचे वाले पे लुक दो, ये भी तो एक कवरिंग है, ये बनाना कैसे भूल गए, भूले नहीं है, पहले ये बनाना जरूरी था, तो इसे भी इस तरीके से शेड करो 4B से, यहाँ से ऊपर की तरफ शेड करना स्टार्ट किया, क्योंकि अपन को पता है अपन को एक लेयर हटानी है यहाँ से लिप के लोअर पार्ट से, बाद में हाइलाइट्स का पार्ट है, लेकिन अभी सिंपली यहाँ पे जाते एंड में जाते जाते देख सकते हो पतली होती जा रही है, ध्यान देना, ये गलती देखो नहीं करना कि पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक सब मोटी है, एंड में जाते जाते पतली हो रही है ये लेयर, ठीक है। फिर यहाँ ऊपर अपने हाइलाइट्स है, तो ये वाला पार्ट तो छोड़ दो, उसके नीचे देखो हल्का सा एक पतली सी लेयर, ये भी ऐसे 4B से शेडेड है, उसके बीच उसके नीचे एक और लेयर छूटी है, उसके नीचे फिर ये लेयर आती है, ठीक है। तो ज़रा जूम कर लो यहाँ पे, तो एक देख सकते हो पतली सी लेयर एंड में भली बड़ी हो गई, यहाँ पे भी थोड़ी पतली सी लेयर, एंड में बड़ी हो गई, ठीक है। अभी अजीब सा लग रहा है, अभी लग रहा है कि क्या गड़बड़ कर दिया ये अपन ने, गड़बड़ नहीं किया, सब सही किया है, अभी इसमें हाइलाइट्स की जरूरत है, अकेला डेप्थ और डिटेल से नहीं होता, हाइलाइट्स भी जरूरी है। ब्लेंडिंग स्टंप लो, ठीक है, ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से जो अपन ने 4B किया है जितना स्ट्रोक्स लगाए हैं, ये ब्लेंडिंग स्टंप से एक बार आराम से ब्लेंड कर लो, नीचे वाला पार्ट जो है वो कर लो ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से ब्लेंड, ये वाला पार्ट है आराम आराम से करना, देखो घिस नहीं रहा हूँ मैं ब्लेंडिंग स्टंप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के,
क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ब्रश से करना है। ब्रश से नहीं तो देखो जो स्मॉल कॉटन पीस जो अपन ने नोज का किया था ना उससे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे एकदम कुछ नहीं करना है, ऐसे लेफ्ट टू राइट ले जाओ ताकि ये जो अपन ने बनाए हैं शेप वो हो जाए। अपर लिप में बाद में करना क्योंकि अपर लिप का ग्रेफाइट फिर लोअर लिप पे आ सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से कर लो आराम आराम से, ठीक है। तो देखो अब ज़रा 4B पेंसिल लो, ये जो नीचे शेडो दिख रही है, ठीक है, ये जो नीचे शेडो दिख रही है ये भी साथ साथ ही बनाना है अपन को, तो यहाँ से दिख रही है अपन को यहाँ से जाती हुई, तो जैसे ऊपर नोज़ की बनाई थी ना कैसे बनाई थी ऐसे शेडिंग करते हुए, तो थोड़ा बाहर की तरफ निकला है और फिर ये लिप्स की आउटलाइन करते हुए जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेम इस साइड है यहाँ पे भी ऐसे शेडिंग करते हुए है ये पार्ट, ऐसे नीचे जाता हुआ और ये हल्का हल्का ऊपर शेड होता हुआ, ठीक है। 4B से है तो, लेकिन इसे अपन को सराउंडिंग के साथ अच्छे से ब्लेंड करना है, तो कॉटन लो और कॉटन रख के उधर पे थोड़ा सर्कुलर चला लो, ठीक है, सराउंडिंग के साथ ब्लेंड होना चाहिए हल्का हल्का, ये वाला कम चलेगा लेकिन ये वाला पूरा होना चाहिए अच्छे तरीके से, तो इस पर भी सर्कुलर चलाओ कॉटन, हल्की हल्की शेडो दिखनी चाहिए पीस का ये रहा, और इसे ब्लेंडिंग स्टैम्प की मदद से करो ताकि ये अच्छे तरीके से होए, ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये हो जाता है। हाइलाइट्स देने अपन को अब कैसे देंगे, मोनो जीरो इरेजर की मदद से देंगे, तो देख सकते हो सबसे पहले हाइलाइट्स तो यही हैं, ये ऊपर से जो दिख रहा है, तो इसे इरेज करने की कोशिश करो अच्छे तरीके से, ठीक है, कोई एक छोटा रेक्टेंगल कोई थोड़ा लंबा रेक्टेंगल, ठीक है, इस तरीके के बीच बीच में थोड़ी स्पेसेस दिख रही ना इस तरीके से, फिर यहाँ पे गैप है, यहाँ पे दिख रहा है अपन को, यहाँ एंड में जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, ये हल्का हल्का इन पे ब्रश चला लेना ताकि एकदम ही ना दिखे इतना सा, ठीक है। फिर ये जो नीचे की लाइन दिख रही है अपन को पीछे से नहीं आ रही है, ये कहाँ से आ रही, यहाँ से, तो क्या किया अपन ने ऐसे ही कर्व ले जाते हुए ऊपर तक, ठीक है, ये ऊपर तक ले गया अपन, ठीक है, ये जो हल्की हल्की आउटलाइन गायब हो गई होगी उसे दोबारा बना लेना, ठीक है, इस तरीके से बेटर। और फिर यहाँ जो ऊपर ऊपर हाईलाइट्स दिख रहे हैं वो ऐसे नहीं दिख रहे इरेजर मोनो जीरो इरेजर के, वो इससे है, नीडेड इरेजर लो और ऊपर ऐसे जैसे धब्बे लगाते ना कैसे इस तरीके से लगाओ, ठीक है, तो उससे क्या होगा वो जो स्पॉट्स दिख रहे हैं ना अपन को इतने पार्ट में, तो ये आ जाएंगे। और फिर अपनी HB पेंसिल लो, ओके, और फिर वो हल्के हल्के जो स्ट्रोक्स जा रहे हैं ऊपर ऊपर की तरफ दिखते हुए, तो हल्के हल्के थोड़े गैप के साथ चार पांच यहाँ पे और चार पांच यहाँ पे ऐसे कर दो, तो ये बेटर हो जाएगा। यहाँ पे जो डार्क डार्क दिख रहे हैं ना इन हाइलाइट्स के बीच में, HB पेंसिल से वो भी ड्रॉ कर लो अपनी, ठीक है, ये जो डार्क थोड़े से दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये आउटलाइन होती है अपनी, हाइलाइट्स भी होते हैं, लिप्स वाला पार्ट तो हो जाता है अपना, ठीक है, लिप्स वाले पार्ट के बाद अपने नोज और लिप्स के बीच में ये जो पार्ट है इससे देखना है, तो नीडेड इरेजर लो और नीडेड इरेजर को थोड़ा ऐसे पेन जैसा शेप दे दो, यहाँ पीछे से इरेज करना स्टार्ट करो, ठीक है, पीछे से इरेज करना स्टार्ट किया, यहाँ पे पतला रहेगा बहुत, यहाँ पे भले सेंटर वाले पार्ट पे तो अपन को दिख रहा है मोटा है,
लेकिन जैसे जैसे अपन ने कर्व क्रॉस किया यहाँ पे बहुत पतली सी एक लेयर आ जाएगी, बहुत पतली सी लेयर। उसके लिए इसे ऐसे चपटा सा कर लो प्रेस करके, ठीक है। तो उसके लिए आराम आराम से ये इरेज करो और एंड में जाके ख़त्म, ठीक है। अब अभी भी अपन को ऊपर की तरफ ज्वाइन करना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, गलती क्या करोगे, उल्टा सीधा कर दोगे, ये यहाँ भग रहा वो वहाँ भग रहा, नहीं। अपन को देखना है कि यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ आके ज्वाइन हो रहे हैं, ओके। तो ये वाला पार्ट जो है एकदम एब्सोल्यूट है, तो इसे उससे कर सकते हो, मोनो जीरो इरेजर से। ठीक है, बहुत मोटा मत कर देना। ये वाला पार्ट दिख रहा है अपन को थोड़ा मोटा, वो मैं बताता हूँ कैसे। तो यहाँ ये सेंटर से दिख रहा है हल्का सा, देखना इसे मैंने सेंटर से किया और यहाँ पे कर्व किया यहाँ तक ऐसे, क्योंकि अपन को रेफरेंस में भी ऐसी दिख रहा है ये जो। अब क्या करना है अपन को, 2B पेंसिल लो, ठीक है। 2B पेंसिल से क्या किया अपन ने, ये वाला पार्ट जो दिख रहा आधा पार्ट, अभी आधे में अपन ने इरेज कर दिया और ये हाफ पार्ट दिख रहा है, ये इसे बहुत स्मूथली शेड कर लो 2B पेंसिल से। और इसका जो राइट साइड में है, ये जो अपन ने इरेज किया, इसके राइट साइड फिर से शेड कर लो 2B से, और ऐसे धीरे धीरे ब्लेंड करते करते बाहर की तरफ ले जाओ। और इसे भी अब ब्लेंड कर लो ब्रश की मदद से, इसे भी ब्लेंड कर लो ब्रश की मदद से। हल्का हल्का अभी और जरूरत है, थोड़ा इस साइड जरूरत है, हल्की हल्की बहुत लाइटली, थोड़ा नोज के नीचे, थोड़ा लेफ्ट साइड, बहुत हल्का, ठीक है, बहुत लाइटली। और फिर से ब्लेंड कर लो, ठीक है। ये वाला पार्ट भी अपन ने ब्लेंड कर लिया, तो एकदम बहुत ज़्यादा नहीं उभर के आना चाहिए, ठीक है, एकदम ही वाइट नहीं छोड़ना है अपन को ये, इसलिए इस पर हल्का हल्का ब्रश चला लिया था मैंने, ओके। तो ये वाली हाईलाइट भी हो जाती है अपनी कंप्लीट, एक बचती है बस, वो है नोज की जो दिख रही नीचे से। तो मोनो जीरो इरेजर से देखना, फॉलो करना, ऐसी पतली सी एक लेयर इरेज करनी है अपन को, बहुत ही बारीकी का काम है, इसलिए आराम से देखो। यहाँ से ले गए इधर तक, ऐसे पतली हो गई एंड में जाते जाते, ये पतली हो गई, ठीक है। तो ये नोज के नीचे भी जो हाईलाइट दिख रहा था अपन को, अपन ने वो तक बना लिया, तो इसके साथ ठीक है, इतना अपना हो जाता है चेहरे का, बस नेक का शेडो बची है और बाल बचे हैं, वो तो अपना नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, ठीक है।